और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, अहम खबरें आपको बताएंगे। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। स्पीकर ने नियमों की परिधि में बोलने को सबको कहा है। मंत्रियों से सदन का परिचय करवाया जिसके साथ इसकी शुरुआत हुई। शोकोद्गार के साथ कार्यवाही की शुरुआत की गई। सीएम सुक्खू ने शोकोद्गार प्रस्तुत किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शोकोद्गार प्रस्तुत किया। नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। मनसा राम के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरुआत इसकी हो गई है। स्पीकर ने नियमों के तहत सभी को बोलने की अपील की, सभी को नियमों के तहत बोलने की सलाह दी गई। शोकोद्गार के साथ इस सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई। सबसे पहले सीएम सुक्खू ने शोकोद्गार प्रस्तुत किया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी संबोधन दिया। इसके अलावा जमकर नारेबाजी सदन में देखने को मिली, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस बीच एक और अहम खबर, हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहा। आज पहला दिन था, जल उपकर विधेयक का 2023 पेश किया गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसे पेश किया। साथ ही ये जानकारी भी दी कि इस उपकर से प्रदेश को करीब 4,000 करोड़ की आय होगी। वहीं विपिन सिंह परमार ने विधायक निधि का मुद्दा भी उठाया। न्यूज 18 ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि विधायक निधि का मुद्दा उठाया जाएगा, विपक्ष इस पर हंगामा कर सकता है। और वहीं विपिन सिंह परमार ने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की। वहीं बात एक और अहम खबर की, जहां विपक्षियों के शोर के बीच डिप्टी सीएम ने कई जवाब पेश किए। उन्होंने कहा कि 3 महीने के भीतर ओपीएस लागू कर दी गई, साथ ही 6,000 बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है उनको अपनाया गया। सारी गारंटियां कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी, ये दावा डिप्टी सीएम ने हंगामे के बीच किया। वहीं विपक्ष की नारेबाजी पर सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपनी सीटों पर खड़े हो गए और सदन की पहले दिन की कार्यवाही में जमकर हंगामा देखने को मिला। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में, उन्होंने कहा जयराम ठाकुर ने 5 बार बजट पेश किया। बजट में 920 संस्थानों का प्रावधान नहीं है। बिना बजट के आखिरी समय में संस्थान खोले गए। विपक्ष ने सीएम के बयान पर वॉकआउट किया। सीएम ने कहा कि 75,000 करोड़ का कर्ज है, 11,000 करोड़ कर्मचारियों की देनदारियां हैं। ऐसी परिस्थितियों में विधायक निधि रोकनी पड़ी। तो अहम जानकारी आपको दे दें कि विधायक निधि बंद करने के मुद्दे को लेकर खासतौर पर आज कार्रवाई में हंगामा देखने को मिला। और इसी के मुद्दे पर जब सीएम सुक्खू ने जवाब पेश किया तो उनके जवाब से संतुष्ट ना होते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सीएम सुक्खू ने ये तमाम जानकारियां साझा की कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए संस्थानों को आखिरी वक्त में खोला गया और इसी पर वॉकआउट किया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान भी सामने आया है, कोई भी सरकार ऋण चुकता करके नहीं जा सकती, ऐसा उन्होंने दावा किया है। सीएम कहते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है, कैबिनेट रैंक के साथ चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, अधिकारियों की भी सब्सिडी खत्म की जाए। इस तरीके की तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी सरकार ऋण चुकता करके नहीं जाती। साथ ही उन्होंने सीएम पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि आर्थिक स्थिति खराब है और इसी के साथ कैबिनेट रैंक के साथ जो चेयरमैन बनाए जा रहे हैं उनकी सब्सिडी, अधिकारियों की सब्सिडी को भी खत्म किया जाए। वहीं विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। सीएम सुक्खू के बयान पर असंतोष जताते हुए सदन से वॉकआउट विपक्ष ने किया है। संस्थानों को बंद करने के फैसले का विरोध किया है। विधायक निधि रोके जाने पर भी नाराजगी जताई है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विधानसभा में घेरा जा रहा है सत्ता पक्ष को। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये उस वक्त की है जब सीएम सुक्खू के जवाब से संतुष्ट ना होते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। विधायक निधि रोके जाने के मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया, सीएम सुक्खू ने उसका जवाब देना चाहा, लेकिन जवाब से संतुष्ट ना होते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और सीएम सुक्खू के बयान पर असंतोष जताया। देखिए, ये बहुत ऐतिहासिक घटना है कि हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का बजट सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही ऐसी नौबत विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ओर से विधायक के हमारे सदस्यों ने
9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था और उसमें सीधी सी बात बड़ी स्पेसिफिक होकर के कही थी कि जन प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान किया गया है और इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष बढ़ाया है। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं करेंगे। हम सोच रहे थे कि इन्होंने कहा है शायद कुछ वक्त बाद इस पर पुनः विचार करेंगे, लेकिन आज फिर से जब जवाब दिया गया तो उस जवाब में भी इन्होंने यही कहा कि अगर रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। विचार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बजट सत्र के पहले ही दिन विधायक निधि रोके जाने के मुद्दे पर गतिरोध देखने को मिला, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा आपने सुना, और इसी पर सीएम सुक्खू की प्रतिक्रिया भी आई है, क्या कुछ उनका कहना है आपको सुनवाते हैं। विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज में बना रहना चाहते से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते, काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है वो विधायक निधि को लेकर आए। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है, विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए। अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने को भी मिली। मैं बार बार कह रहा हूं प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, विकास को नई दिशा देंगे, हम अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाए उसको नई दिशा देंगे और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है कटिबद्धता है उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना उचित नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 एमएलओ से जुड़ी हुई थी जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करें। राजनीतिक लाभ किस चीज का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम हम ये काम करते। और इस दृष्टि से आज बड़ा जो बीजेपी ने वॉकआउट किया उन्हें अपनी रणनीति पर द्वारा भी। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का ज्यादा जानकारियों के साथ, इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रणबीर। जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था, आज सुबह भी हमारा बात कर रहे थे कि पहले ही दिन हंगामे के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक निधि का वो ऐसा मुद्दा रहा जिस पर गतिरोध देखने को मिला, जमकर नारेबाजी हुई। कुल मिलाकर अभी तक का ये जो बजट सत्र का पहला दिन था ये कैसा रहा? जी हाँ, देखिए अभी अपडेट दे दें, अभी भोजनावकाश तक के लिए जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित यहाँ पर हुई है और कुल मिलाकर जो हम सुबह चर्चा कर रहे थे हुआ भी वही हंगामे के पूरे आसार थे वो हुआ। नारेबाजी शोरगुल वो सब सदन के भीतर आज हुआ, जिसके कयास लगाए जा रहे थे। अलग अलग तस्वीरें भी हमें देखने को मिली। सबसे पहली और शायद अच्छी तस्वीर ये थी कि मुख्यमंत्री अपनी पुरानी ऑल्टो कार में आए। वो जिस तरह से मुख्यमंत्री का काफिला रहता है तो उसी में वो अपनी पुरानी कार में आए, ऑल्टो कार में। वो पहले भी हमने देखा है कई बार जब सदन की कार्रवाई चलती थी, सेशन चलता था, तो वो अपनी ऑल्टो कार में आते थे, एक वो तस्वीर थी। लेकिन यहाँ पर सदन के भीतर जो महत्वपूर्ण रहा वो ये रहा कि हंगामा किस बात पर बरपा, ये शायद कयास लगाए जा रहे थे। विपक्ष ने रणनीति बनाई थी और न्यूज 18 की तरफ से हमारे सहयोगी ने खबर भी ब्रेक की थी, तो हुआ भी भाई कि जो विधायक निधि का जो पैसा रोका गया है उस पर ये हंगामा बरपा है। जब मुख्यमंत्री ने यह कहा कि विधायक निधि जो है रोकी नहीं गई है, बल्कि उसकी जो अंतिम किस्त जारी होनी है उसको जो है रोका गया है, तो इस पर जाहिर सी बात है कि हंगामा होना था और वो सब हुआ। सदन के भीतर विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई, हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो सत्ता पक्ष के जो सदस्य थे उन्होंने भी अपनी सरकार का खूब जो है यहाँ पर
बचाव किया, लेकिन बड़ी और अहम बात यहाँ पर यह भी थी, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सदन के भीतर और बाहर कहा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह बात कही कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ये कह रहे थे कि ये तो ऐतिहासिक हुआ कि ऐसा इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया, तो उसी का जवाब सदन में डिप्टी सीएम ने यह दिया कि ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि नियम 67 के तहत जो अति आवश्यक जो मुद्दे होते हैं, जैसे राज्य में कोई आपदा आ जाए उसके तहत इस नियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो सदन की कार्रवाई को रोक दिया जाता है, मतलब इस वाले जो अन्य मुद्दे जो है वो रोक दिए जाते हैं, काम रोको प्रस्ताव इसे कहा जाता है, और इस मुद्दे को लाया जा रहा है विधायक निधि जैसे मुद्दे को जो कि सिर्फ विधायकों तक जो है सीमित है। तो मुख्यमंत्री ने जब इस पर जो है काफी हो हल्ला हुआ तो फिर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि पूर्व में जिस तरह से जयराम सरकार ने संस्थान खोले थे अंतिम वक्त में, अब जो है जनता उनसे जवाब मांग रही है, ये अपने क्षेत्र में जा नहीं पा रहे, ये एक बड़ा वो था। और दूसरा और महत्वपूर्ण इसमें ये है कि जो बिल पेश हुआ है जो वाटर सेस लगना है जल विद्युत परियोजनाओं पर, वो वाटर सेस का जो बिल है वो उप मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर पेश किया है, अब इस पर आगे चर्चा होनी और इसे पारित कर दिया जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण। और नगर निगम और इसके अलावा जिस तरीके से सुबह से ही हम देखते आ रहे हैं प्रश्न काल से ही नारेबाजी और हंगामे का दौर वहां पर चल रहा है, अभी हालांकि लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होगी, तो जो ये सेकंड राउंड है इसमें क्या हम दोबारा हंगामा देख सकते हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा सकता है इस सेकंड राउंड में? जी हाँ, देखिए अभी जो भोजनावकाश से पहले जो नियम 30 के तहत एक चर्चा सदन में लाई गई है वो इंद्र दत्त लखनपाल ने लाई है कि किस तरह से, ये तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये आपको बता दें, जिस तरह से मैं बता रहा था कि भोजनावकाश से ठीक पहले एक चर्चा जो है पेश हुई है जिसमें इंद्रदत्त लखनपाल ने यह चर्चा लाई है कि जो वन संपदा है हिमाचल प्रदेश की, वो जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसमें बाढ़ है, भूस्खलन है और आग है, उससे जो नुकसान होता है इस पर सदन को विचार किया जाना चाहिए, इस पर जो है चर्चा होनी थी। इससे पहले 130 के तहत ही विपक्षी तरफ से की तरफ से एक और प्रस्ताव था, वो यहाँ पर वॉकआउट कर चुके थे, तो उस पर चर्चा नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अब तो ये लग रहा है कि शायद ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होनी है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर जो है सकारात्मक तरीके से चर्चा इस पर करेंगे, ये देखना होगा कि वो सामान्य चर्चा और भी है कि आगे क्या कुछ जो है आज के दिन रहने वाला है, क्या विपक्ष जो है सदन के भीतर लौटेगा या लौटेगा भी नहीं, ये देखने वाली बात होगी, और लौटेगा तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर बिल्कुल रणबीर। और इसी बीच जो सकारात्मक चर्चा है उसका होना बेहद जरूरी है क्योंकि कई तारांकित और कई अतारांकित प्रश्नों के जवाब अभी यहाँ पर देने हैं, और इसी लिहाज से ये जो चर्चा है वो सकारात्मक तरीके से चले इसी की उम्मीद भी की जा रही है। रणबीर आप नजर बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सत्र के शुरू होने से पहले सीएम सुक्खू ने अपनी ऑल्टो कार में विधानसभा पहुंचकर सबको चौंका दिया। वो इससे पहले ऑल्टो कार से ही विधानसभा जाया करते थे। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और विधायक रवि ठाकुर मौजूद रहे। विधानसभा पहुंचने पर सीएम सुक्खू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत को अपमानित किया है, इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से आप लोग राहुल गांधी पर हमलावर हैं, सदन नहीं चल पा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। गलत बयानबाजी, भ्रम फैलाना, देश को बदनाम करना, अपमानित करना, अगर ये राहुल गांधी जी ने किया तो उनको सदन से और देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करने की बात करते हैं, राहुल जी याद करिए आर्टिकल 356 का दुरुपयोग और भारत में इमरजेंसी का काल, ये कांग्रेस के कारण आया। पत्रकार जेल में थे, नेता जेल में थे, बोलने की बंदिश लगी हुई थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी।
और आप अल्पसंख्यकों को कहते हैं कि सुरक्षित। मैं पूछता हूँ, 1984 के दंगों में सिखों का कत्लेआम करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, संरक्षण आप लोग देते हो, आपकी कमेटियों में बने रहते हैं, 30 साल तक आप लोग उनको न्याय नहीं दिला सकते। अब सवाल यहाँ पर आकर कि आखिरकार राहुल गांधी जी दुनिया भर के देशों में जाकर बदनाम क्यों करते हैं? ये कैम्ब्रिज ड्राइव और लंदन लाइव्स ये छोड़ कर आए और क्षमा यात्रा भी निकाले और संसद से भी क्षमा। लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार के पास लग रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सदन तो आपको नहीं चलने। सरकार की जिम्मेदारी देश को आगे चलाने की भी है, देश का मान सम्मान बढ़ाने की भी है, जो हम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी विदेशी धरती से कर रहे हैं, तो क्या उनको इसके लिए वापस आके देश से माफी मांगनी चाहिए? अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो जो हालात अभी है, 2017 में भी माफी मांगी, आखिरकार सदन चल रहा है, राहुल गांधी कहाँ चल रहे हैं, देश में क्यों नहीं? अगर वो जनता से इतने जुड़े हों तो देश में क्यों नहीं? किस सदन में होते हैं? देश की जो एवरेज अटेंडेंस है पार्लियामेंट की, उससे कम उनकी। धन्यवाद सर। ये थे अनुराग ठाकुर, अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। सत्र की शुरुआत से पहले सुबह 10 बजे भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक एक बार फिर हुई, जिसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की। इस बैठक में सत्र के पहले दिन को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। इस बजट सत्र को लेकर धर्मशाला कांगड़ा के लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। खास तौर पर कारोबारी इस बजट से बेहद ज्यादा कयास लगाए बैठे हैं। न्यूज 18 से लोगों ने अपनी उम्मीदें साझा की हैं, देखिए। नई सरकार जो बजट पेश करना जा रही है, उसमें मेरे तो सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो कोरोना काल से जो इस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ हो रखा है, जिससे अभी तक यहाँ इसके व्यापारी लोग जो है ये उभर नहीं पाए हैं, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। देखिए, अब कांग्रेस सरकार को बने 3 महीने हो चुके हैं और ये पहला बजट आने वाला है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो सुक्खू सरकार का जो भी बजट आएगा वो हमारे दुकानदारों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए एक अच्छा संकेत लेके आएगा। महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं उनके ऊपर थोड़ा सा GST जो बढ़ाई हुई है उसको थोड़ा कम किया जाए, और इससे थोड़ा सा पब्लिक पे बोझ कम होगा। अपने जो CM साहब हैं, जो अभी नया पहला अपनी सरकार के बाद पहला बजट पेश करने जा रहे हैं, तो हमें उनसे बहुत आशा है कि वो हम जैसे छोटे दुकानदारों के हित में। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार।